ये देखेंगे हम कि आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा रमजान का वर्ड जैसा हम सुनते हैं, जैसा रमजान वर्ड आता है जहन में, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में फ्लैश करती है, जो क्लिक करती है, वो क्या है? जी, रमजान इटसेल्फ एक बहुत ही एक्साइटिंग वर्ड रहता है हम लोगों की जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो रमजान सुनते ही जो सबसे पहले जो चीजें याद आती है वो ये है कि एक ऑफर लगा हुआ है। जिस तरह हम दुनिया में भी कोई ऑफर लगाए तो कैसे भागते हैं उसकी तरफ, राइट, कि वो ऑफर खत्म होने से पहले हम जल्दी हासिल कर ले। तो मेरे लिए एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है मामला कि रमजान आ रहा है तो यानी कि ऑफर का महीना है, किसी तरह मैं इस ऑफर का सही फायदा उठा सकूं। और यस एक्साइट करती है ना ऐशा बाजी, वो ये है कि शैतान इसमें कैद रहता है, तो ये यस बड़ी मेरे लिए एक पावरफुल वेपन दिखता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह भटकने का, सब चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बच जाते हैं। तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली अपने रूटीन एग्जैक्टली भी इस तरह सेट करती हूँ रमजान को लेकर कि मैं है ना हर बुराई से बच सकूँ, टाइम वेस्ट करने से बच सकूँ, ओवर ईटिंग से बच सकूँ। तो ये मेरा रमजान मीन्स ये सब चीजें मुझे फौरन से क्लिक करती है, एक तो ऑफर और एक बचना है, अपने आप को बचाना अपने है। आप को बचाना है। वेरी या बहुत बहुत बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट्स थे। हम सुनेंगे अभी सुमैया बाजी से कि सुमैया बाजी आप आपके जहन में क्या आता है, रमजान का वर्ड आते साथ ही हाँ, आपको क्या रमजान क्लिक में करना? भी जो चीज आती है ना, बेसिकली कि कुरान आता है, क्योंकि कुरान से जो है रमजान का जो कनेक्शन है उस वजह से ऐसी चीज जहन में आती है कि हमारा भी कनेक्शन वैसी स्ट्रांग हो जाना चाहिए, कुरान से हो जाना चाहिए और कुरान के जरिए से अल्लाह सुब्हान व तआला से जाना चाहिए। एक्चुअली मेरे जहन में दो चीजें आती है, एक तो कुरान से कनेक्टिविटी का आता है, फिर दूसरा जिस अहादीस से जैसे जो पता चलता है तो वही जहन में आता है कि मन सौमा रमदान ईमान व इहतिसाबन गफर लहू जंब। तो ये जो हदीस है इसके जरिए से पता चलता है कि ईमान के साथ अगर हम रोजा रहते हैं तो अल्लाह ताला जो हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सेम वर्डिंग्स हैं जो ख्यामुल्लैल इमाम के ख्याम पीछे उल्लैल भी के है, लिए। मिसाल हाँ जी ख्यामुल्लैल के जी तालुक से भी है, तरावी के तालुक से भी है जो इमाम के पीछे पड़ता है, और लैलतुल बिल्कुल। कदर में भी जो इमाम के साथ ओफिरा रहता है। लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बी, यानी कि हाँ अगले और जी पिछले जी दोनों भी जी गुना, सॉरी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी एग्जैक्टली, हाँ बहुत बहुत सही पॉइंट है जी। ऑफर ऑफर हाँ तो वो साथ में बिल्कुल ऑफर माने हम इबादत करके जो सवाब कमा रहे हैं उसके साथ ही साथ जो है हमारे माफी का भी एक जरिया अल्लाह सुबहाना बताला है, एग्जैक्टली, तो ये माशाल्लाह चीज माशाल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह जहन में वो सुभान होती अल्लाह सुभान अल्लाह। है। सही में, वंडरफुल यानी कि ऑफर का महीना हो गया और फिर मगफिरत का महीना हो गया, मतलब कुरान का महीना जो है समझ में आ रहा, तो माशाल्लाह से, सीरियसली बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जकिया आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जब ऐसा रमजान बोल के सोचते ना तो मेरे तो जहन में देखिए दो चीजें आते मालूम। एक तो सबसे पहले तो रोजा आता है, थी वो तो हर किसी के जहन में आता है, रमजान बोलते ही एग्जैक्टली, रोजा। रोजा दूसरी चीज जो रोजा मेरे जहन में आती वो ये कि मतलब लैलतुल कद्र, जैसा कि सारा बताए कि एक ऑफर का महीना है, तो ऑफर में देखिए अल्लाह ताला ना डबल ऑफर दे दे रहे, मतलब आपको रहता ना अच्छा, सुपर सेविंग्स बोल के, तो उस तरह से उस तरीके से देखिए जब रमजान का महीना है तो सुभान उसकी खुद की अल्लाह, फजीलत है, जब हम रोजे रहते हैं और उसकी दुआएं और उसके जो तमाम अजर है सब कुछ बढ़ जाता, लेकिन जो आखिरी की 10 रातें आते हैं फिर उसमें भी जो ऑड नाइट्स जो लैलतुल कद्र है कि मतलब आपको वो अगर एक दिन पालिए तो हजार मतलब हजार नहीं आपको सालों से ज्यादा उसका अजर मिल जाएगा। मतलब आई थिंक दैट इज अ सुपर 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 डुपर ऑफर, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग जिसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए और उसके लिए तैयारी करना चाहिए, हम लोग को उसकी रूटीन सेट करना बिल्कुल चाहिए। जी जी सही सही, बिल्कुल एग्जैक्टली माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया। तो वाकई में मतलब एक ऑफर है, ऑफर पे ऑफर है, यानी कि डबल ऑफर है। और फिर वैसे भी लेडीज को जो है ऑफर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते शायद, नहीं कि जल्दी से जहां पर बिल्कुल ऑफर है, चाहे वो अपने सौदे पे रहो चाहे कपड़ों पे रहो, फौरी से, नहीं नहीं जी ऑफर है, होना है, नहीं होना है तो भी चीजें जो है हम क्या करते हैं अपने लिए ले लेते हैं, हालांकि एक्चुअली हम नीडेड नहीं रहते, फिर भी हम जो है वो भर लेते, हालांकि बहुत गंदी चीज है ऐसा करना। अच्छा, तो खैर सही, बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान का जैसा मेरे जहन में, अगर अगर मेरा पर्सनली अगर पूछेंगे तो रमजान का महीना जैसा बोलते साथ ही मेरे जहन में ऐसा लगता कि एक गोया कि रमजान ना एक जैसा वॉशिंग मशीन की तरह मेरे जहन में आता है, या फिर एक फर्नेस की तरह आता है, एक भट्टी की तरह आता है, जहां पर जैसा कि हम सुनते हैं ना कि सहाबा इकराम हाँ किस तरीके से रमजान के लिए तैयारी करते थे कि 6 महीने रमजान की इंतजार में रहते थे, और 6 महीने के बाद रमजान का जो असर रहता था तो उसकी इबादतों को कंटिन्यू करने में रहते थे। तो उसी तरीके से इवन हम भी अगर हम लास्ट अपना रमजान देखेंगे तो
तो रमजान जब हमारा खत्म होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पिरिट काफी हाई रहती, पर जैसे जैसे टाइम खत्म होता स्टार्ट फीलिंग लो, और फिर वो इबादत का वो जो कनेक्शन है, कुरान का जो कनेक्शन है, और वो सारी चीजें जो है ऐसा ऐसा कम होती, पर मेरे को ऐसा जो है एक धारस हो जाती कि अब रमजान आ रहा ना, चलो ठीक है सब 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 जो है सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान में जो है नेकियों की तरफ हम बढ़ जाते, गुनाहों से हम अपने आप को रोक लेते, और जितने भी बैड हैबिट्स है खुद ब खुद कट डाउन होते, और जितने भी अच्छी चीजें हमारे खुद डेवलप होते। तो गोया ऐसा कि हम एक ना भट्टी से पास होकर निकल के ना चमक कर कुंदन की तरह जो है ब्राइट चमक कर निकलते, जिसमें एक तो गुनाह भी माफ होते, जैसा माता खदमा मिन जंबी जो अभी बात हुई, तो गुनाह भी माफ हो रहे, साथ में हमारे बहुत अच्छे हैबिट्स भी डेवलप हो रहे, बुराइयों से हम रुक रहे। तो ऐसा दिखता है कि एक प्रोसेस से हम गुजर के ना बहुत ही ज्यादा जो है ब्राइट हम बाहर चमक कर निकलते, चाहे आप उसको यानी कि एक भट्टी बोलिए, फर्नेस बोलिए, वॉशिंग मशीन बोलिए, बहरहाल पर वॉशिंग मशीन में सिर्फ गंदगी धुलती ना, यहाँ पर क्या है गंदगी धुल रही और साथ में क्या है हमारे अच्छी चीजें ऐड भी हो रही। और जैसे कुरान के अंदर भी जी जी कुरान के अंदर भी जैसा जी सूरह बकरा में जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 185 में कि जब रमजान का जिक्र है, रमजान की सब बातें हैं, तो उसके अंदर अल्लाह ताला बोल रहे युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि हम जो है तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। क्या मतलब है, यानी कि रमजान में हम रोजे रहते, रोजे तो डिफिकल्ट लगते, फिर आसानी का क्या मतलब है? तो अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो हम शैतान को भी कैद कर लिए और हम तुम्हारे लिए सारा माहौल साजगार कर रहे, क्योंकि पूरे लोग इबादत करे, पूरे लोग एक काम करे, पूरे लोग एक फोकस्ड है, तो उसमें जो इबादत हमारे लिए इजी हो जाती और ट्रेनिंग जो इजी हो जाती, तो गोया के ऐसा लगता है कि रमजान पूरा ट्रेनिंग का मंथ है, यानी कि आपको जबरदस्त अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे पूरा एक महीना, आपको माहौल वैसा प्रोवाइड कर रहे, शैतान कैद है, और जब जो काम सब मिलकर जब करते ना, पूरा घर जब एक काम कर रहा, जैसे अपन अकेले इबादत करना मुश्किल हो जाता, पूरा घर कर रहा तो हमारे लिए आसान हो जाता, तो सारा माहौल साजगार करके अल्लाह ताला बोल रहे कि लो ये एक महीना है, अपने आप को बेहतरीन तरीके से ट्रेन करो, अच्छाइयों को अंदर इंस्टॉल करो, बुराइयों को अपने अंदर से निकालो, और फिर उसके बाद चमक कर बाहर निकलो। अब ये है कि हम उसको कैसा अपने अंदर जो है बाकी रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।